हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाई फाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, एक बेहद इंपॉर्टेंट खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं, थंबनेल को आपने रीड किया होगा कि बेरोजगारों की भीड़ में योग्य अभ्यर्थियों की दरकार। जिस प्रकार से अभी कोरोना का लहर चल रहा है निश्चित तौर पर, और यहाँ नौकरियों को लेकर के जो एक बेरोजगारी की जो कहा जा सकता है कि दर है, वो निश्चित तौर पर बढ़ती ही जा रही है। लेकिन यहीं पर यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग की आर ओ आर ओ की भर्ती की बात कर ले, पीसीएस की बात कर ले, साथ में यूपी ट्रिपल एस ओ की बहुत सी भर्तियां थी जहां पर पद रिक्त थे, बेटिंग को लेकर की चीज़ें थी वो नहीं आगे बढ़ पा रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पूर्ति बोर्ड में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। तो क्या खबरें हैं इसके संबंध में, पूरी खबरें हम आपको बताएंगे। उससे पहले चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें ताकि लगातार अपडेट आपको यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं आरआरबी एनटीपीसी एवं आरआरसी ग्रुप डी की खबरें आपको मिलती रहे। चलिए बात कर ले पहले हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। यहाँ से पूरी खबरें देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से खबरें आप सभी लोग देख सकते हैं कि बेरोजगारों की भीड़ में योग की दरकार। तो निश्चित तौर पर एक देख सकते हैं बड़ा प्रश्न है कि पीसीएस, आरओ और एआरओ सहित अन्य प्रमुख भर्तियों में खाली रह गए हैं पद। पद कोई भी हो, भर्ती निकलने पर उसमें हजारों लाखों की संख्या में आवेदन होते हैं। निश्चित तौर पर कुछ भर्तियों में तो इतने अधिक आवेदन होते हैं कि एक पद के लिए 3,000 अभ्यर्थियों की दावेदारी रहती है, लेकिन डिग्री लेकर खड़ी उन्हीं युवाओं में भीड़ में योग्य ढूंढने में नहीं मिलते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा घोषित किए गए परिणाम आंकड़ा यही बयान कर रहा है। पिछले, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रभात कुमार रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब उनके शासनकाल की भर्तियों को लेकर के विशेष तौर पर आप देख सकते हैं पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसीएफ, आरएफओ, प्रवक्ता जैसी प्रमुख भर्तियों में योग्य भर्तियों न मिलने के कारण पद खाली छोड़ गए हैं। लोक सेवा आयोग ने साल भर में कई प्रमुख भर्तियों का परिणाम जारी किया है और हर भर्ती में अपेक्षा से काफी अधिक आवेदन आए हैं। एलटी गेट शिक्षक भर्ती की बात कर ले तो 18 उन्हीं परीक्षाओं में शामिल है। इसके 15 विषयों में 10,768 अभ्यर्थी पदों की भर्ती निकली थी, लेकिन परीक्षा में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए, लेकिन 15 विषयों में सिर्फ और सिर्फ 7,527 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। गणित में 600, विज्ञान में 961, कंप्यूटर में 1637 पद योग्य अभ्यर्थियों के मिलने के कारण खाली छोड़ना पड़ा। वहीं दूसरी भर्तियों में भी बात किया जाए, खाली छोड़ना पड़ा है। यहाँ से चीज़ें हम सभी देख सकते हैं कि प्रमुख भर्तियों में खाली रह गए हैं पद। पीसीए 2019 में 19 पद खाली, पीसीए 2020 में 11 पद खाली, आरओ यारो 2016 में 43 पद खाली, सहायक संख्या के अधिकारी परीक्षा जो हुई थी उसमें पद खाली है 15, यूनानी चिकित्सा अधिकारी वहाँ भी अनुसूचित जाति के पद 5 पद खाली हैं, एसीएफ आरएफओ 2020 के 4 पद खाली, जेई भर्ती में 480 पद खाली, राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सहायक आचार्य स्क्रीन एवं बीडी के 4 पद खाली, अर्थ एवं संख्या निरीक्षक, सहायक विकास अधिकारी नियोजन विभाग में 231 पद खाली रह गए थे, एलोपैथिक चिकित्सा में 311 पद खाली रह गए थे, डायट भर्ती उर्दू के 5 पद खाली रह गए थे। तो इस प्रकार से आप देख लेते हैं कि यूपी ट्रिपल कहा जाता है यूपीपीएससी में किस प्रकार से भर्तियां जो है खाली रह गई हैं पदे। बात कर ले देख सकते हैं यूपीपीएससी के अध्यक्ष के समक्ष मांग रखेंगे प्रतियोगी। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जैसा कि जानते हैं नवनियुक्त अध्यक्ष हैं संजय सिंह श्रीनेत, ने कार्यभार ग्रहण करने का इंतजार कर रहे हैं, प्रतियोगी बेसब्री से कर रहे हैं। श्रीनेत के आते ही प्रतियोगियों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलकर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन देगा, जिसमें आयोग की कार्यप्रणाली में बदलाव एवं सीबीआई जांच को तेज करने का वह मुद्दा होगा। प्रतियोगी छात्र संघ संघर्ष समिति आयोग 2013 से 2016 तक समस्त भर्ती परीक्षाओं परिणामों की जांच कर रही सीबीआई के सुस्त प्रक्रिया के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रही है। अब उसे नए अध्यक्ष के समक्ष भी रखा जाएगा। समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे के अनुसार शासन से सीबीआई जांच में हो रही विलंब को लेकर के एसआईटी के गठन की मांग भी की जा चुकी है। आयोग अध्यक्ष से भी उसमें सहयोग मांगा जाएगा। इसके अलावा महिला आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश की महिलाओं को देने और मुख्य परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों को कम से कम 10% लोगों को बुलाने के भी, हिंदी माध्यम की कापियाँ उसी के विशेषज्ञ शिक्षक से जचवाने, अभ्यर्थियों को कापी देखने की ऑनलाइन व्यवस्था करने, हर भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा सूची जारी करने, पीसीएस जे न्यायिक सेवा में 4 अवसर की बाध्यता समाप्त करने से मांग रखी जाएगी। इन समस्त मांगे प्रतियोगियों से सीधे जुड़ी हुई हैं। इस पर आयोग अध्यक्ष का रुख देखने के बाद समिति आगे का निर्णय लेगी। तो आप देख सकते हैं जैसे यूपी ट्रिपल एससी के नए अध्यक्ष संजय सिंह श्रीनेत पद संभालेंगे, उनसे जो है एक प्रतियोगी छात्र जो है वो लोग अपनी मांग रखेंगे।
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट खबरें थी फ्रेंड्स, जो पीसीएस आरओआरओ सहित अन्य भर्तियों को लेकर की थी, यूपीएससी के संबंध थी। आई होप खबर आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव महसूस हो रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।